एयरपोर्ट दा फरमान, गले मिले ता होएगा जुर्माना। जी हाँ, बिल्कुल भी एयरपोर्ट ते नहीं लगना एक दूजे दे गले। ये पूरा मामला दस दिन आ। अक्सर असी जदों अपने परिवारक मैंबर, दोस्त जां किसे होर करीबी नूं हवाई अड्डे ते छड्डण जांदे आ तां ड्रॉप ऑफ जोन च खड़े होके उन्हां गलबात करदे आ ते फिर अलविदा आखण लई उन्नू अपने गले नाल लाउंदे आ। पर हुण तुहानू अपने रिश्तेदार नूं गले लगाउणा महंगा पै सकदा है, क्योंकि न्यूजीलैंड वल्लों अजिहा ही करन वालियां नूं जुर्माना लगाउण दा नियम बनाया गया है। तुसीं इस नियम बारे जाण के हैरान हो सकदे हो, पर इह है सच। न्यूजीलैंड दे एयरपोर्ट ते हुण तुसीं अपने किसे रिश्तेदार जां करीबी नूं गले लगा के अलविदा नहीं आख सकदे, क्योंकि जेकर तुसीं ऐसा कीता तां तुहानू भारी जुर्माना भुगतना पै सकदा है। दरअसल न्यूजीलैंड दे एयरपोर्ट विखे ड्रॉप ऑफ जोन कोल पोस्टर लगाए गए ने, जिस ते लिखा है कि गले लगा के विदाई देने लई एयरपोर्ट पार्किंग की वरतों करो। इतों के नियमों मुताबक तुसी एयरपोर्ट से सिर्फ 3 मिनट लई गले मिल सकते हो, नहीं तो तुहानू भारी जुर्माना देना पै सकता है। यह नियम न्यूजीलैंड के डुनेडिन एयरपोर्ट वालों जारी किया गया है, जिस ते लिखा गया है कि तुसी अपने ड्रॉप ऑफ जोन विच किसी नू सिर्फ 3 मिनट लई गले लगा सकते हो। इस नियम तो बाद पूरी दुनिया विच हंगामा मचा हुआ है। होर तो होर एयरपोर्ट से पोस्टर लगाए गए हैं जिन्हां ते इस संबंधी चेतावनी लिखी हुई है कि कृपा करके विदायगी लई कार पार्किंग की वरतों करो, इत्थे पार्किंग 15 मिनट लई मुफ्त है। न्यूजीलैंड के डुनेडिन एयरपोर्ट के सीईओ डेनियल डी बोनो का कहना है कि लोगों वल्लों इस नियम से गलत गुस्सा किया जा रहा है। उन्होंने आख्या कि हवाई अड्डा भावनावां का सेंटर है, जदों लोग इत्थे विदायगी देंदे हैं तो वह थोड़ा भावुक हो जाते हैं, पर तर्क नाल लव हारमोनस लई महज 20 सैकेंड ही काफ़ी होंगे है। उन्होंने आख्या कि इस नियम नाल यात्रियों नूं तेजी नाल अग्गे वधाउण ते होर वधेरे लोगों नूं गले मिलण का मौका मिलेगा। सीईओ बोनो ने अगे दस्या कि असी कई सालों तो हवाई अड्डिया की पार्किंग विच दिलचस्प चीज़ां देख रहे हैं, जिते 15 मिनटों तक की पार्किंग भी मुफ्त दिती गई है। लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। दस दईए कि हवाई अड्डे के इस नियम से लोगों विच भारी गुस्सा पाया जा रहा है ते सोशल मीडिया से एयरपोर्ट अथॉरिटी खिलाफ लोगों वल्लों जम के भड़ास कढ़ी जा रही है। एयरपोर्ट का फरमान, गले मिले तो होएगा जुर्माना। जी हाँ, बिल्कुल भी एयरपोर्ट से नहीं लगना एक दूजे दे गले। की है पूरा मामला दस दें। अक्सर असी जदों अपने परिवारक मैंबर, दोस्त जां किसी होर करीबी नूं हवाई अड्डे ते छड्डण जांदे आं तां ड्रॉप ऑफ जोन च खड़े होके उन्हां गलबात करदे आं ते फिर अलविदा आखण लई उन्नू अपने गले नाल लाउंदे आं। पर हुण तुहानूं अपने रिश्तेदार नूं गले लगाउणा महंगा पै सकदा है, क्योंकि न्यूजीलैंड वल्लों अजिहा ही करन वालियां नूं जुर्माना लगाउण दा नियम बनाया गया है। तुसीं इस नियम बारे जाण के हैरान हो सकदे हो, पर इह है सच। न्यूजीलैंड दे एयरपोर्ट ते हुण तुसी अपने किसे रिश्तेदार जां करीबी नूं गले लगा के अलविदा नहीं आख सकदे, क्योंकि जेकर तुसी ऐसा कीता तां तुहानू भारी जुर्माना भुगतना पै सकदा है। दरअसल न्यूजीलैंड दे एयरपोर्ट विखे ड्रॉप ऑफ जोन कोल पोस्टर लगाए गए ने, जिस ते लिखा है कि गले लगा के विदाई देने लई एयरपोर्ट पार्किंग की वरतों करो। इतों के नियमों मुताबक तुसी एयरपोर्ट से सिर्फ 3 मिनट लई गले मिल सकते हो, नहीं तो तुहानू भारी जुर्माना देना पै सकता है। यह नियम न्यूजीलैंड के डुनेडिन एयरपोर्ट वालों जारी किया गया है, जिस ते लिखा गया है कि तुसी अपने ड्रॉप ऑफ जोन विच किसी नू सिर्फ 3 मिनट लई गले लगा सकते हो। इस नियम तो बाद पूरी दुनिया विच हंगामा मचा हुआ है। होर तो होर एयरपोर्ट से पोस्टर लगाए गए ने जिन्हां ते इस संबंधी चेतावनी लिखी हुई है कि कृपा करके विदायगी लई कार पार्किंग की वरतों करो, इत्थे पार्किंग 15 मिनट लई मुफ्त है। न्यूजीलैंड के डुनेडिन एयरपोर्ट के सीईओ डेनियल डी बोनो का कहना है कि लोगों वल्लों इस नियम से गलत गुस्सा किया जा रहा है। उन्होंने आख्या कि हवाई अड्डा भावनावां का सेंटर है, जदों लोग इत्थे विदायगी देंदे हैं तो वह थोड़ा भावुक हो जाते हैं, पर तर्क नाल लव हारमोनस लई महज 20 सैकेंड ही काफ़ी होंगे है। उन्होंने आख्या कि इस नियम नाल यात्रियों नूं तेजी नाल अग्गे वधाउण ते होर वधेरे लोगों नूं गले मिलण का मौका मिलेगा। सीईओ बोनो ने अगे दस्या कि असी कई सालों तो हवाई अड्डिया की पार्किंग विच दिलचस्प चीज़ां देख रहे हैं, जिते 15 मिनटों तक की पार्किंग भी मुफ्त दिती गई है। लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। दस दईए कि हवाई अड्डे के इस नियम से लोगों विच भारी गुस्सा पाया जा रहा है ते सोशल मीडिया ते एयरपोर्ट अथॉरिटी खिलाफ लोगों वल्लों जम के भड़ास कढ़ी जा रही है।